हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुगंधा शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो जॉब वैकेंसीज के बारे में जिसके लिए फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही जॉब फ्रेशर्स के लिए हैं, आप दोनों ही जॉब के लिए किसी भी एज ग्रुप से आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आते हैं यानी किसी भी स्ट्रीम से आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही जॉब्स के लिए हम पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप नेक्स्ट जॉब पे मूव हो पाएँ, एंड इन केस आप दोनों ही जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं होते तो लास्ट में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ जिनसे आज मैंने ये दोनों जॉब्स देखी हैं और बाकी जॉब्स भी आप वहाँ से देख सकते हैं, तो वील टॉक अबाउट दैट। तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट जॉब नंबर वन। जिस कंपनी में ये जॉब है इसका नाम है वेदांतो। आई एम श्योर आपने पहले सुना होगा, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है एंड जिस पोस्ट पे है ये है एकेडमिक काउंसलर। एकेडमिक काउंसलर क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि आप हमेशा सजेस्ट करते हैं पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वील डू दैट फर्स्ट। लोकेशन इसकी पैन इंडिया रहेगी यानी ऑल ओवर द इंडिया, किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी में है आप उसी सिटी में रह के ये जॉब कर पाएंगे, आपको इसके लिए कहीं रिलोकेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत अच्छी है, जस्ट 1740। एक्चुअली इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह के बहुत सारे जॉब्स हैं, सिर्फ ये दो जॉब्स नहीं है, मैंने ये दोनों ही जॉब्स करियर प्लस से देखी हैं जो ग्रेट लर्निंग अकेडमी का एक प्लेटफॉर्म है। उनमें से मैंने कुछ क्राइटेरिया दिमाग में रख के ये दोनों जॉब्स फिल्टर की हैं, तो इस पर्टिकुलर जॉब को मैंने इसलिए फ़िल्टर किया क्योंकि ना सिर्फ इसके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल हैं और आप किसी भी सिटी से अप्लाई कर सकते हैं बल्कि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज आर वेरी गुड। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं यानी किस बेसिस पर सिलेक्शन होगा। देन वील टॉक अबाउट जॉब रोल, सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप किसी भी एज ग्रुप से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आप किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट से तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस अगर आपको पर्टिकुलरली सेल्स ग्रुप में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जब हम जॉब रोल के बारे में पढ़ेंगे देन यू विल प्रोबेबली अंडरस्टैंड बेटर कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसने MBA या PGDM या BE/BTech किया हुआ है, कोई भी पर्सन इसके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी बैकग्राउंड से हो, जो मोस्टली साइंस एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 60% से अगर कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो कैंडिडेट्स 2019 या 2020 में पास आउट हुए हैं सिर्फ वही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ये क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको पूरा जॉब रोल एंड सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकंड जॉब पे मूव हो सकते हैं, शायद आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसका टाइम स्टैम्प यहाँ पर है और डिस्क्रिप्शन में भी टाइम स्टैम्प गिवन है। इन केस यू आर एलिजिबल कि आप 2019 या 20 में पास आउट भी हुए हैं और आपके सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन के अलावा MBA है या PGDM है या आपने ग्रेजुएशन BE/BTech टाइप्स की है और आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो उसमें लास्ट क्राइटेरिया मांगा है वो ये है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए विद इंटरनेट कनेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। सबसे पहले आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो भी सब्जेक्ट्स हैं और जो प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एज एन अकेडमिक काउंसलर जब आप स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको खुद उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, फर्स्ट इंग्लिश में, एंड सेकंड आप जिस भी सिटी में रह के जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बोले जाने वाली लोकल लैंग्वेज में। सो आई होप इट मेक सेंस टू यू। जैसा कि मैंने बताया कि आप जहाँ पे भी अपनी सिटी में रह के जॉब कर सकते हैं, विच मीन्स जब आप, इसलिए एक्चुअली जॉब रोल बताना पहले इंपॉर्टेंट होता है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये एक तरीके से सेल्स जॉब है जिसमें आपको पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा या स्टूडेंट्स से मिलना पड़ेगा, उनको प्लान्स समझाने पड़ेंगे, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा टू टेक एडमिशन और एनरोल इन द कोर्स और इन वॉट एवर स्टडी प्लान दे आर चूजिंग। तो उसके लिए ना सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए बल्कि मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आप किसी ऐसी सिटी में रहते हैं जहाँ पर मराठी बोली जाती है, या पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी आप हैं जहाँ पे मराठी बोली जा रही है, तो जब आप वहाँ पे लोकल स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको खुद मराठी आनी चाहिए। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस यू हियर। अगर आप ऐसे सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है, जहाँ पे लोग नॉर्मली हिंदी में बात करते हैं, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बट इंग्लिश इज़ मस्ट।
थर्ड इन्होंने जो स्किल मांगी है वो ये है दैट यू शुड बी ओपन टू इंट्रा सिटी ट्रैवल, विच मीन्स आप जिस शहर में रहते हैं उसी शहर के डिफरेंट लोकेशंस में मे बी आपको ट्रैवल करना पड़े वहाँ पे जाके पेरेंट्स से मिलने के लिए. फॉर एग्जांपल इफ़ समवन इज़ लिविंग इन से दिल्ली, तो आप दिल्ली में ट्रैवल करने में कंफर्टेबल हो. अगर कोई अहमदाबाद में रह रहा है तो आप अहमदाबाद में जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका घर जहाँ पे भी हो या वो जहाँ पे भी आपसे मिलना चाहें आप वहाँ जाके ट्रैवल करके उनसे मिलने में कम्फर्टेबल है. नेक्स्ट स्किल रिक्वायर्ड इज़ एंथुसियास्टिक एंड विलिंग टू अचीव टारगेट्स, विच मीन्स जब आप सेल्स जॉब में होते हैं तो आपको कुछ मंथली टारगेट्स दिए जाते हैं जिसको आप कंप्लीट करने में विलिंग हो. आपको ऐसा ना लगे कि मैं टारगेट बेस्ड जॉब नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती. एंड यू शुड बी कीन टू लर्न एंड अपग्रेड योर नॉलेज. सो सिर्फ ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इसमें. अब हम बात करते हैं जॉब रोल के बारे में, विच आई ऑलवेज थिंक कि हमें पहले बात करनी चाहिए ताकि ऑल ऑफ दिस मेक्स सेंस टू यू कि किस तरह का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं एंड क्यों. देखिए मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं कि वेदांतों में एकेडमिक काउंसलर के फॉर्म में आपका क्या काम होगा, आपका काम होगा सेल्स करना. देखिए वेदांतो एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिस पे इनके कई सारे कोर्सेज हैं या डिफरेंट इनके एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपको जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने होते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स क्या हैं, उनके कितने चार्जेस हैं, या आपको अगर नेगोशिएट करना है किसी चीज़ को लेकर के वो सब आपको करना होता है. पेरेंट्स से मिलना होता है, उनको कन्वेंस करना होता है, और आपके कुछ टारगेट्स होते हैं जिनको फुलफ़िल करना होता है कि आप कितने क्लाइंट्स हैं इस मंथ जिनको कन्वेंस कर पाए या कितने सेल्स आप इस मंथ कर पाए. ये थोड़ा उस टाइप की जॉब है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैलरी. फर्स्ट 3 मंथ्स में आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे जिसमें आपकी सैलरी 3.3 लाख पर एनम होगी, यानी 27,500 करीबन पर मंथ आपको पड़ेगी. 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद फोर्थ मंथ ऑनवर्ड्स आपकी सैलरी 37,500 पर मंथ होगी, यानी 4.5 लाख पर एनम ये आपकी सैलरी रहेगी. इसके अलावा आपके इंसेंटिव्स भी रहेंगे जो कि सभी सेल्स जॉब में रहते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस इसका ये होगा कि पहले आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन आपका एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसके बाद एक वीडियो इंटरव्यू का राउंड होगा. तो ये सब कुछ आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस. सो एक चीज़ ये हो गई कि पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये ऑनलाइन है, तो आपको कहीं पर ट्रैवल नहीं करना है. सेकंड, फॉर नाउ आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको पेरेंट्स के घर पे जाके उन्हें जॉब के बारे में या प्रोग्राम्स के बारे में एक्सप्लेन करना हो, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट कि हम इसके लिए फॉर सो एंड सो रीज़न अप्लाई नहीं कर सकते. इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 मई 2021 है. अगर आपको लगता है कि इससे किसी को बेनिफिट हो सकता है तो आप उनके साथ ये जॉब ज़रूर शेयर करें. सेकंड जो जॉब है ये जिस कंपनी में है इसका नाम है अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, और जिस पोस्ट पे है ये है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और सेल्स एग्जीक्यूटिव. अगेन दिस इज सेल्स जॉब. फॉर नाउ इट्स अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आपको चेन्नई या हैदराबाद में रीलोकेट होना पड़ेगा, क्योंकि जॉब लोकेशन चेन्नई या हैदराबाद रहेगी. बट फॉर नाउ दिस इज़ अ वर्क फ्रॉम होम जॉब. नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 5 हैं. और सबसे पहले हम बात करेंगे अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में. कोई भी बैचलर्स डिग्री आपके पास है यू आर एलिजिबल. बीई, बीटेक, एमबीए यानी टेक्निकल बैकग्राउंड्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी सेल्स वर्क का एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी. अगर नहीं है तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. फ्रेशर्स आर ऑल्सो एलिजिबल. आपके रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बहुत अच्छी होनी चाहिए. पिछले वाले में रिटर्न एंड वर्बल करके नहीं मांगा था, पिछले जॉब में सिर्फ सिंपल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी मांगा था. इसमें रिटर्न एंड वर्बल स्पेशली मेंशन है, पर पिछले वाले में लैंग्वेज मेंशन थी और इसमें ये चीज़ नहीं है. देन आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड इफ़ दे हैव स्पेशली मेंशनड इट इन देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और द स्किल्स रिक्वायर्ड देन दे विल चेक इट एनीवे. नेक्स्ट, आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है वो 2020 होना चाहिए. अगर आपने 2020 से पहले ग्रेजुएट किया है 2019 या उससे पहले, तो आप डायरेक्ट इस वाले टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं जहाँ पे इस तरह के और जॉब्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ. इन केस यू आर 2020 या उससे बाद, उसके बाद आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं. इसके लिए रिक्वायर्ड स्किल्स में ऑब्वियसली मांगा है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट, जो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जॉब रोल इसका सेल्स जॉब का होगा. अगेन जैसा कि इसमें आपको पोस्ट पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव इन्होंने मांगे हैं. सैलरीज की मिनिमम 3 लाख पर एनम होगी, विच मीन्स 25,000 रुपीज पर मंथ, प्लस आपको इसमें इंसेंटिव्स भी मिलेंगे. सिलेक्शन का प्रोसेस होगा सबसे पहले PPT, देन टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा जो आपका फ़ोन पे इंटरव्यू होगा, देन एक वीडियो इंटरव्यू होगा. इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 मई है.
इन दोनों जॉब्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, और जो एक थर्ड जॉब और है जो मुझे अच्छी लगी थी, फिल्टर की थी मैंने, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। मान लेते हैं कि यू वर नॉट एलिजिबल फॉर ईदर ऑफ द जॉब, आप दोनों में से किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं थे, या अगर आप एलिजिबल थे भी तो भी आप और न्यू जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो ग्रेट लर्निंग अकेडमी ने अपना रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है करियर प्लस। यहाँ से आप इसके बारे में जान सकते हैं। ये दोनों जॉब्स भी मैंने करियर प्लस से ही देखी है। करियर प्लस एक जॉब सर्चिंग काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी ग्रेजुएट जो किसी भी इंडियन स्टेट या सिटी से है डायरेक्ट आके जॉब सर्च कर सकता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं, आप चाहे फ्रेशर हैं चाहे एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आप सभी के लिए यहाँ पे जॉब है। आपको किसी भी स्टेज पे रजिस्ट्रेशन से लेकर के जॉब मिलने तक किसी स्टेज पे किसी को कोई पैसे पे नहीं करने हैं। तो देखिए इस प्लेटफॉर्म पे एक सिंपल सी चीज़ है, जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स दिखेंगे, और अगर आप किसी भी जॉब पे जाते हैं और आप वहाँ से जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो उस कंपनी के HR हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बीच में कोई थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। इस प्लेटफॉर्म पे सिंपली एक जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको JET कहते हैं। आपको सिर्फ ये टेस्ट देना है, इस टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे जो कंपनीज हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगी। जितना अच्छा आप स्कोर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जॉब मिलने के चांसेस होंगे। मान लीजिए आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, या आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, या आप अपना स्कोर और अच्छा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। आप उनमें से कोई भी कोर्सेज या जितने मर्जी कोर्सेज आप करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। करियर प्लस के लिए भी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ग्रेट लर्निंग अकेडमी का। आप सिंपली जाना है इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, आपको अपना ईमेल आईडी OTP एंटर करना है, जिसके बाद आपको अपना नाम फ़ोन नंबर पासवर्ड डालना है, आपको अपनी प्रोफाइल बनाना है जिसमें आपने किस कॉलेज से किस ईयर में ग्रेजुएशन किया, किस स्ट्रीम में किया, ये सब डिटेल्स पुट करनी है, एंड डायरेक्ट आप करियर प्लस पे जॉब सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से जॉब सर्च करने का आपको एक अच्छा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे जॉब एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से अगर आप फ्रेशर हैं और डिजर्विंग हैं तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आपको ओवरशैडो नहीं करेंगे। जनरली जब हम कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं तो भले ही आप किसी से ज़्यादा एलिजिबल हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के जॉब्स के लिए अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, और कोई पर्सन जिसको सेल्स में एक्सपीरियंस है पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो उस पर्सन को फिर भी जॉब्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। JET के थ्रू क्योंकि आपका एक टेस्ट स्कोर आता है कि आपने कैसा स्कोर किया, तो जो जितना अच्छा स्कोर करता है उसको उतना फेयरली जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे इट्स नॉट लाइक थाउजेंड्स ऑफ रेज्यूमेस आते हैं एंड उसमें बाय लक आपका रेज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट हो गया तो हो गया, वरना नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देर आर क्लियर नंबर्स, देर इज अ क्लियर स्कोर टेस्ट, सो दैट इज़ वाई देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब इन केस यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके कोई भी और वीडियो रिक्वेस्ट या आइडियाज है तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you very much for watching and stay safe.